पापा गोवा चलते हैं ना पापा प्लीज, ये घर की चार दीवारें जेल जैसी लगती है मुझे। यहाँ के तो हम फंस गए ध्वनि। हाँ दीदी हम लोग तो सच में फंस गए हैं। पापा मम्मी हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब हमें कहीं पे बैठना है। अरे यार जिंदगी कहाँ गई, चलो मैं ही चल के देखती हूँ। मम्मी पापा ध्वनि खो गई है। मैंने बोला था ना गोवा मत जाओ, गोवा में रखा ही क्या हुआ है। यार ये पल्लवी की भी ना कितनी मस्त लाइफ है, सिंगापुर एक्सप्लोर कर दी है, कल यहाँ तो वहाँ। अरे क्या हो गया इशना, तुम्हें सारा गुच्छा इन चिप्स पे निकालोगी क्या? मुझे क्या होगा, जो होना है आपको ही हो रहा है। कभी हॉलीडे प्लान करते हो, कभी हमें घुमाने ले जाते हो, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं हम तो। और एक वो देखो हमारी बराबर वाली पड़ोसन को, सारा दिन घूमने जाती है, हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाती है। अभी त्रिवेंद्रपुरम से होकर आई है। त्रिवेंद्रपुरम? त्रिवेंद्रपुरम की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? वो क्या है, मेरी उससे बात हुई थी, वो गोवा गई थी। गोवा इसकी स्पेलिंग तो बहुत आसान होती है मम्मी। अच्छा मम्मी मेरा ना फिर से गोवा जाने का मन कर रहा है। फिर से? पहले भी कभी गई है क्या? नहीं नहीं मम्मी, पहले भी सिर्फ मन ही किया था। पापा गोवा चलते हैं ना पापा प्लीज, ये घर की चार दीवारें जेल जैसी लगती है मुझे। बेटा घर जैसा सुख कहाँ है, और बेटा एंड में तो सबको घर पे आना ही है, तो पता है मेरा ऑफिस में कितना काम है? आपको तो हमेशा ऑफिस में काम ही रहता है, कभी काम से छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होगा। अरे अरे क्या हुआ, किसकी प्लानिंग हो रही है? अरे ध्वनि हमारी गोवा जाने की प्लानिंग हो रही है। जब कैंसिल ही करना है तो स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चलते हैं? बैग कैंसिल। ध्वनि बेटा हम गरीब लोग हैं, प्लान बनाते हैं गोवा का और जाते हैं हम गांव। आप थोड़ा चुप ही रहो, अपनी बकवास बंद ही रखो। और जिनी ध्वनि मैं बता रही हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा गोवा खुद ही आ जाएगा चल के हमारे पास, हमें घुमाने के लिए, पापा को ले जाने से रहे। लाइफ बहुत बोर सी हो गई है पापा, समझो बात को, उठा ले रब्बा। अरे उठा ले मेरे को गोवा में फेंक दे, पापा को ले जाने से रहे। ओके डन, एक काम करते हैं गांव चलते हैं इस बार। क्या? अरे अरे मतलब गोवा चलते हैं इस बार। सच्ची में? क्या सच्ची में? अरे ये गोवा हुआ की प्लानिंग बाद में बनाती रही हो, फ्रेंड से मिलने के जल्दी जा, पैकिंग कर ले, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी कैंसिल कर दे ट्रिप। चल चल जल्दी चल। अरे जल्दी से आ जाओ वरना ब्रेकफास्ट हो जाएगा खत्म, जल्दी आओ। मम्मी यहाँ पे तो गोवा आके इतनी गर्मी है, यहाँ चलना पड़ रहा है ना मम्मी। बेटा कहीं भी घूमने आओगे तो चलना तो पड़ेगा ही ना। चलो, और ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, चलो 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 चलो। बच्चों सुनो, तुम लोग सिटिंग ढूंढो, यहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? सिटिंग ढूंढते रखना, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ये होटल तो बहुत बढ़िया है। हाँ क्या मजा आ रहा है यार सच में, और यहाँ तो बच्चों की टेंशन भी नहीं है। टेंशन भी नहीं है, सिक्योर है एकदम ना। तो बच्चे रह कहाँ गए लेकिन? आ जाएंगे, अभी आते ही होंगे यार। ये बात भी ठीक है, मैं तो पूरा एंजॉय कर रही हूँ। पापा मम्मी हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे थे, आप बता तो देते कि हम यहाँ बैठे हैं। अरे बेटा बताना क्या था, हम लोग यहाँ पे चिल करने आए हैं, और आप कौन सा इस रिजॉर्ट में खोने वाले हो? ठीक है पापा ठीक है, पर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो ना तो हमें बता के जाना। अरे बच्चों चिल करो, चिल बैठो यहाँ पे हमारे साथ।
जिनी जोनी तुम एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे बैठो और हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। ओके ओके। गौरी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया। और जिनी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई। ये पापा ईयू, ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद बैठने वाला, मुझे तो वॉफल खाना है वॉफल। ईची मम्मी पोहा, मम्मी आपको पता है ना मुझे पोहा अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं इतना खा खा के पक गई हूँ पोहा घर पे, आपको चोर ले आओ मेरे लिए। ध्वनि ये ब्रेड पकौड़ा तो आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिलते हैं जो कि हेल्दी हेल्दी चीजें हैं, ठीक है। और जिनी आपको आपको भी ये पोहा खाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके बताओ, ये बच्चे फंस गए और हम यहाँ पे मौज कर रहे हैं, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे तू टेंशन मत ले, अभी देखते हैं अगर कोई दुकान मिल जाए तो तेरे को मैं कुछ दिलाता हूँ। चलो भाई आपके पास चिप्स होंगे, एक चिप्स का पैकेट दे दीजिए मुझे आप। थैंक यू ध्वनि, ये लो मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, आओ। अरे बेटा अभी तो रिसोर्ट इतना बड़ा है, इसको घूमो एंजॉय करो। नहीं नहीं मम्मी पापा, मेरे पैर अब बहुत दुख गए, मुझसे चला नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या कहीं पे बैठ सकते हैं? ठीक है ध्वनि, अब चलते ही हैं, चलो कहीं बैठने के लिए इंतजाम करते हैं। बेटा मेडिकल की दवा और गोवा की हवा इंसान की तबीयत बदल देती है। और खाओ बेटा उधर उधर की चीजें। चलो मैं देखता हूँ अगर कुछ मिलेगा तो, रास्ते में देखते हैं। हाँ मेडिसिन तो उसे देनी पड़ेगी ना। चलो देखते हैं। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, चलो गर्मी में स्विमिंग करने चलते हैं। हाँ ध्वनि, स्विमिंग का तो मेरा भी मन कर रहा है पर हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए पैसे लगेंगे, अब पैसे मेरे पास है नहीं। दीदी फिर आप मम्मी पापा से ले आओ ना, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा चल मैं रुक में लेके आती हूँ। ध्वनि अब ये लड़की कहाँ जा सकती है? ध्वनि ध्वनि कहाँ है? ध्वनि आपने एक 6 साल की छोटी बच्ची को देखी है? उसने ब्लू कलर का टॉप पहन रखा था। मैंने नहीं देखी। Excuse me, मेरी बहन हो गई है, वो छोटी थी, वो 6 साल की, उसने ब्लू कलर का टॉप पहन रखा है, आपने उसको देखा है? मैंने नहीं देखा है। Excuse me, मेरी बहन हो गई है, वो इतनी सी है, उसने ब्लू कलर का टॉप पहन रखा है, आपने उसको देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। ध्वनि खो गई है। मैंने बोला था ना गोवा मत जाओ, गोवा में रखा ही क्या हुआ है? अरे बैठ।
बैठे बैठे क्या कर रहे हो? ध्वनि को ढूंढो। अरे चलता हूँ चलता हूँ। ध्वनि 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 एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी खो गई है, 6 साल की है, छोटी थी, उसने नीले रंग के कपड़े पहने, आपने कहीं देखा है उसे? नहीं सर, आपने नहीं देखा। ध्वनि ध्वनि काश मैंने पापा की बात मानी होती और गोवा नहाने की जिद करी होती तो आज मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ी ना होती। मैं भी आपके मम्मा पापा को ढूंढने में हेल्प करती। मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कुछ खाने के लिए ला। नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि जैसे जिससे मैं बिछड़ी थी वैसे मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। चलो मैं भी जिन्नी दीदी की तरह ही हूँ। मेरा नाम है गुनीत। मेरा नाम है ध्वनि। कहाँ जा सकती है लड़की, मैंने सारे में ढूंढ लिया। ध्वनि ध्वनि कहाँ है तू? ध्वनि मम्मी हम उसको नारियल वाली की बेटी बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो नारियल वाली की बेटी नहीं है। जी चुप कर, यहाँ भी मजाक सूज रहा है बेटा। अरे जिन्नी उसको ढूंढने दिया कर। मम्मी मम्मी ध्वनि ध्वनि अरे ध्वनि, अरे कहाँ थी बेटा, हम तेरे को कब से ढूंढ रहे थे ध्वनि। और ध्वनि तेरे पास पैसे कहाँ से आई पूछ लेने की? तू यहाँ कैसे आई ध्वनि? मम्मी पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही। ये गुनीत है, ये भी मेरी तरह अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई पर इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। अरे गुनीत बेटा आप टेंशन मत लो, हम आपके मम्मी पापा को ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे और तब तक वो नहीं मिलेंगे आप हमारे साथ रहना। ओके इसने मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गोवा है या कुंभ का मेला, सभी के सब यहाँ बिछड़े जा रहे हैं। जो भी है हमारे बच्चे मिल गए ना, और इसको भी इसके मम्मी पापा के पास हमें सेफली पहुँचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आओ चलो हम रिजॉर्ट में चलते हैं। हाँ चलो बेटा आओ गुनीत आओ 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 बेटा डोंट वरी आओ। अब मेरा हाथ पकड़ के चलना दोनों बच्चे। अरे मैं तो इसी होटल में रहती हूँ, मेरा तो रूम नंबर है 112। 112 बेटा हम रिसेप्शन से अभी अपने आपके मम्मी पापा को कॉल करके बुलाते हैं। ओके चलो मैं जाता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए वो, आप टेंशन मत लो, वो लोग आने वाले हैं। कहाँ थे आप, कहाँ थे, कहाँ पे घूमे थे आप? क्या पता आपको मम्मी पापा कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात टेंशन मत लो, आपको मिल गई आपको। हमारे साथ थी वो, हमारे साथ थी, हमारी बेटी भी खो गई थी एंड हमारे साथ थी और ये भी खो गई थी। फ्रेंड्स बीच पे जैसे ध्वनि हमसे बिछड़ गई थी, हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़े, तो प्लीज अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हमेशा याद रखें ताकि इन केस आप बिछड़ भी जाएं तो आप किसी को रोककर उनको कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़े। तो वी होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।